तो दोस्तों इस समय भारत और रशिया दोनों के लिए ही एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आई है। और अचानक से मीटिंग से पहले भारत ने रूस को फोन लगाया है और रूस का उस तरफ से कहना है कि स्थिति सब कंट्रोल में है और हम भारत की मीटिंग में आने को तैयार हैं। दरअसल आप सभी को पता है कि अभी 4 जुलाई को भारत जो SCO का अध्यक्ष है उसके तहत भारत की नई दिल्ली में संघाई सहयोग संगठन की एक ज्वाइंट मीटिंग होने वाली है जिसमें SCO के 8 सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे, परंतु हमारे लिए 8 देशों में से रशिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर रशिया के बारे में आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में रशिया के अंदर वैगनर ग्रुप का विद्रोह हुआ, जिससे रशिया की जो आंतरिक स्थिति है वो स्थिर है या फिर नहीं इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। अब इसको लेकर भारत को भी चिंता है कि कहीं रशिया भारत के SCO के समेट में आया या फिर ना आया। और इसको लेकर हमारे NSA अजीत डोभाल सर जी ने रशिया के NSA निकोलाई पेत्रुसेव को फोन लगाया और फोन के ऊपर दोनों ही देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच में बात हुई, जिसके बारे में भारत सरकार ने तो जानकारी नहीं दी, परंतु रशियन मीडिया की तरफ से यह जानकारी दी गई कि रशियन सरकार की तरफ से अपनी स्थायी स्थिति का जो जायजा है वो भारत को दिया गया है, जिसमें रूस ने कहा है कि यहां पर विद्रोह के बाद जो स्थिति है वो कंट्रोल में है और पुतिन को अब कोई खतरा नहीं है, साथ में विद्रोह भी समाप्त हो चुका है, जिसके कारण से आने वाले समय में भारत और रूस के बीच में जो मीटिंगें होनी हैं उस पर अब कोई भी असर नहीं पड़ेगा और शायद रशिया इन मीटिंगों में भाग लेगा। अब आप सभी को भी पता है कि भारत का SCO के अध्यक्ष के तहत जो मेन मुद्दा है SCO के द्वारा प्राप्त करने का, उसको प्राप्त करने के लिए रशिया का SCO की मीटिंग में होना अति आवश्यक है, क्योंकि अन्य जो देश है जैसे कि पाकिस्तान है वो SCO की मीटिंग को मेन मुद्दे से भटका कर कश्मीर आदि के मुद्दे की तरफ खींचने का प्रयास कर सकता है, जिसको रोकने में रशिया भारत की मदद करेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।